हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में कछुआ रखने से क्या होता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो उसके। कछुआ न केवल धन प्राप्ति में सहायक होता है, बल्कि यह लाइफ में आने वाली कई तरह की परेशानियों से भी बचाता है। फेंग शुई में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि कछुआ मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होता है। यही वजह है कि अगर इसे घर में रखा जाए तो यह व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से राहत दिलाता है। इसके लिए आप कछुए को पाल भी सकते हैं, या फिर इसका फोटो या मूर्ति या फिर इसका प्रतीक को आप घर में रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि कछुआ किन किन परिस्थितियों में राहत दिलाता है। नंबर 1 है नौकरी में तरक्की पाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, तो फेंग शुई के मुताबिक घर में कछुआ पालना चाहिए। अगर आप इसे पालना नहीं चाहते तो आप कछुए का प्रतीक भी रख सकते हैं। खास तौर पर पीतल का कछुआ रखें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 2 है अगर धन संबंधी परेशानी हो। फेंग शुई के मुताबिक अगर किसी को धन संबंधी परेशानी हो तो उसे क्रिस्टल का कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से आमदनी में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही धीरे धीरे धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। नंबर 3 है शत्रुओं से परेशान हो तो। अगर किसी को बार बार विरोधियों का सामना करना पड़ रहा हो, तमाम कोशिश के बावजूद अगर विरोधी परेशान करना नहीं छोड़ रहे हों, तो घर में कछुए का प्रतीक उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। फेंग शुई के मुताबिक प्रतीक न हो तो कछुए का फोटो भी आप लगा सकते हैं। नंबर 4 है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। फेंग शुई के मुताबिक घर में कछुए को रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। इसके अलावा घर को बुरी नज़र से भी यह बचाता है, इसीलिए घर में कछुआ या फिर उसका प्रतीक आप रख सकते हैं। इससे घर में सुख शांति का वास होगा। फेंग शुई कहता है कि इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर कछुए का चित्र भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। यदि आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें।